सत श्री अकाल दोस्तों, उम्मीद है कि आपने बाजार से हलड़ खरीद ली होगी और अपना पेट साफ करना शुरू कर दिया होगा। नहीं किया है तो आज से ही करना शुरू कर दो। आज हम बात करेंगे अपने किडनी क्लीन के बारे में। किडनी क्लीन करने से क्या क्या फायदे होते हैं, जितनी बालों की समस्या है सारी किडनी ठीक करती है, पेशाब का ज़्यादा आना या कम आना उसको ठीक करती है, हर प्रकार की सूजन को किडनी ही कंट्रोल करती है और पसीना कम आना या ज़्यादा आना या पानी की जितनी समस्या है उनको किडनी कंट्रोल करती है। किसी को डायलिसिस के लिए बोल दिया जाए उससे पहले उसकी आप किडनी क्लीन कराओ, परमात्मा करेगा उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये हमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नहीं है, तब भी हम अगर हम सही भी हैं तभी हमें अपनी किडनी क्लीन करनी चाहिए, सारे ऑर्गन क्लीन करने चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी गाड़ी जब तक ख़राब ना हो, ब्रेक डाउन ना हो, तभी हमने उसको किसी सर्विस स्टेशन पर लेकर जाना है। क्या ये ज़रूरी है कि जब तक हम पूरे बीमार ना हो और हमें घर वाले उठा के हॉस्पिटल ले जाएं? क्यों लेकर जाएं? अगर हम पहले ही अपनी गाड़ी का इंजन सही रखेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको भी। तो आपने सब साथियों ने अपनी पहले तो पेट साफ करना है, फिर आपने अपना किडनी को साफ करना है। किडनी क्लीन के लिए क्या चाहिए? तीन चीज़ें चाहिए होती हैं मेन, जिनों में से कोई एक भी ले सकते हो आप, मगर मैं अपने सब पेशेंट को तीनों चीज़ें ही एडवाइस करता हूँ कि एक दिन ये लो, एक दिन ये लो, एक दिन ये लो। कभी किसी को किसी के साथ ज़्यादा फर्क पड़ता है, कभी किसी को किसी के साथ, कभी किसी को किसी के साथ। सबसे पहले तो भुट्टे के बाल, ये भुट्टे के बाल जो देसी भुट्टे के बाल गांव में होते हैं, ऊपर देखा होगा आपने काले काले होते हैं, ये अगर आजकल भुट्टे चल रहे हैं तो फ्रेश आप ले लीजिए अगर कहीं से मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे तो मैं आपको एक फ़ोन नंबर दूंगा, तो आपको उनका नाम है रामजी लाल गुप्ता, वो आपको ऐसे भुट्टे के बाल जो ड्राई है पैकेट बने हुए हैं, ये एक आदमी के लिए एक क्वांटिटी है, ठीक है, वो आपको भेज देंगे। साथ में चाहिए होते हैं हमें तरबूज के बीज, ये चाहिए हमें छिलके वाले, बिना छिलके तो मार्केट में बहुत मिलते हैं, ये केवल रामजी लाल जी से मेरे को मिले थे, मैंने बहुत जगह ट्राई किया नहीं मिले, उनका नंबर मैं भेज दूँगा। एक आती है पार्सली, पार्सली धनिया के पत्ते जैसी होती है, कई लोग पार्सली की जगह धनिया भी यूज़ करते हैं मगर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कई कहते हैं कि हमने धनिया का पत्ता पी लिया उसके काढ़ा बना के, खैर वो हमें बताऊँ कैसे बनाना है, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेन ये तीन चीज़ें हैं, नंबर एक भुट्टे के बाल, नंबर दो तरबूज के बीज, तरबूज के, खरबूजे के नहीं चलेंगे, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं, ये नहीं तो वो ले लिया ना। तीसरा है हमारा पार्सली, पार्सली धनिया के पत्ते जैसे होती है, वो बड़े बड़े स्टोर में मिल जाती है या आपको मंडी में मिलेगी, मंडी में भी उस दुकान पे मिलेगी जो कि ये धनिया पुदीना और मशरूम वगैरह बेचता है, इनकी दुकानें अलग होती हैं होलसेल की, उनसे ही मिलेगा। तो खैर आपको ये तरबूज के बीज और ये भुट्टे के बाल तो इजीली मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, अगर तो आपको आप किसी गांव में रहते हैं तो फ्रेश जाके तोड़ के ले आइए, आधा किलो कम से कम चाहिए भुट्टे के बाल तोल कर, ये क्वांटिटी है एक आदमी के लिए, फ्रेश भुट्टे के बाल आधा किलो, ठीक है, आधा किलो भुट्टे के बाल। अगर सूखे होंगे ये वाले तो ये हमें चाहिए 50 ग्राम, क्योंकि सूख के इनका पानी सूख जाता है, ओके। और उसके बाद ये जो है तरबूज के बीज,
छिलके वाले, बिना छिलके तो मिल जाएंगे, ये छिलके वाले 200 ग्राम, ये एक आदमी की एक दिन की खुराक है। ये ना हो तो अगर पार्सली हम यूज़ कर रहे हैं तो पार्सली लेनी है हमने आधा किलो हरे वाली पत्तियां जो होती हैं आधा किलो। अब इनको बनाने का ढंग, भुट्टे के बालों को आपने धोना नहीं है, एज इट इज़ आधा किलो भुट्टे के बाल या ये वाले भुट्टे के बाल 200 ग्राम, सॉरी ये 50 ग्राम है, इनको आप तकरीबन 2 लीटर पानी में बॉयल कीजिए, 15-20 मिनट बॉयल करना। जब पानी 1.25 लीटर के करीब रह जाए, 1.25 लीटर या थोड़ा सा कम ज़्यादा, और उसको निकाल के नीचे रख दीजिए ठंडा होने के लिए। और जब ये पानी थोड़ा ठंडा हो जाए तो सारा वो गन नीचे बैठ जाएगा, ऊपर ऊपर से आप पानी को किसी कटोरी के साथ निकाल लीजिए, ठीक है। अब फिर दोबारा उसके अंदर 1.25 लीटर पानी डाल दीजिए, जो आपका ये भुट्टे के बाल बचे हैं उसके अंदर दोबारा डाल के फिर 15-20 मिनट पकाइए, जो फिर उसका रस है वो निकल जाएगा। फिर आप ऐसे कीजिए, उसको नीचे रख के उसको पानी को ऊपर ऊपर से निकाल लीजिए, छानना नहीं है, छानने से उसका जो गंध है वो साथ आ जाएगा। तो आपने वो सारा पानी निकाल लिया, ये आपका तकरीबन 1.5-2 लीटर करीब पानी बच गया, ठीक है। ये तो बनाने की विधि है भुट्टे के बाल की। अब पीने की विधि बाद में बताऊंगा, पीने की विधि सबकी सेम है। ऐसे ही आपने पार्सली के साथ करना है। पार्सली को आप अच्छे से धो सकते हैं, क्योंकि वो जो है पत्ते होते हैं उसको अच्छी तरह धोना है आपने, अच्छी तरह पानी के अंदर डाल के धोइए, 2-3 बार धोइए। फिर उसको आपने बारीक बारीक काट कर, थोड़ा जैसे हम साग काटते हैं, उसको आप पानी में बॉयल कीजिए, ऐसे ही 2 लीटर पानी में, जब 1.25 लीटर आ जाए निकाल दीजिए। फिर उसका पानी निकाल के फिर दोबारा एक बार फिर बॉयल कर लीजिए, फिर वो पानी निकाल लीजिए, उसका तकरीबन आपके पास 2 लीटर पानी बच गया, पार्सली का भी और भुट्टे के बाल का भी। ऐसे ही तरबूज के बीज, इनको आपने अच्छी तरह धोना है पहले, क्योंकि छिलके हैं इसको धोना है, इसके ऊपर पेस्टिसाइड लगा होता है, इसको आपने धोकर थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए पंखे के नीचे। फिर आप इसको कूटना है, मतलब कि पीसना, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, इसके 4-5 हिस्से हो जाए, मिक्सी में करेंगे तो 2-4 बार ग्राइंड कर दीजिए कि टूट जाइए। तो आपने उसको पीस कर फिर वही 2 लीटर पानी में बॉयल करना है, जब 1.25 लीटर करीब रह जाए पानी को निकाल के छान लीजिए आप, इसको छान सकते हैं आप। फिर दोबारा उसमें पानी डालिए 1-1.25 लीटर करीब, जब वो 1.5 लीटर रह जाए फिर उसको निकाल लीजिए, ये भी आपके पास 2 लीटर पानी बच गया। ये तीनों को एक ही दिन नहीं पीना, एक ही बार में नहीं पीना, एक ही बार आपने नहीं बनाना। ये मैंने आपको बनाने की विधि बता दी तीनों की अलग अलग, आप अलग अलग दिन पे इनको बनाएंगे। सोमवार को जैसे आपने भुट्टे का बनाया तो बना लिया, फिर आपने इसको जो 2 लीटर पानी है भुट्टे का, पीना कैसे है, सभी पानी, तीनों पानी, तीनों के बीजों का भी, पार्सली का भी या भुट्टे का भी, पानी केवल खाली पेट पीना है। खाली पेट मीन्स ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद, लंच से 1 घंटा पहले या लंच के 2-2.5 घंटे बाद, डिनर से 1 घंटा पहले या 2-2.5 घंटे बाद, या फिर उसके बाद रात को अपने पास रख लीजिए पीते जाइए। अगर आप इसको ठंडा करके पियेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, गर्म में थोड़ा सा टेस्ट इसका भकभका सा लगता है। अगर भुट्टे के बाल फ्रेश हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर सूखे हुए थोड़ा सा लगेगा, तो आप उसको ठंडा करके पियेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा है। तरबूज के बीज का भी अच्छा है, पार्सली का थोड़ा सा फीका होता है। तो ये आपने तीनों का अलग, जो तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अगर तीनों चीज़ें मिल जाएं तो एक एक दिन छोड़कर तीनों को पीजिए, अगर तीनों चीज़ नहीं मिले, खाली भुट्टे के बाल मिल गए, तो इनको आपने एक एक दिन छोड़ के 3 दिन पीना है। ये नहीं मिले, खाली तरबूज के बीज मिल गए, इसको भी आपने एक एक दिन छोड़कर 3 बार पीना है। ये भी नहीं मिला, पार्सली मिल गई, उसको भी आपने एक एक दिन छोड़कर 3 दिन पीना है। ये जो क्वांटिटी 1.5-2 लीटर बनेगी, ये एक आदमी के लिए है जिसका वजन अराउंड 65-70 किलो है। अगर आपका वजन 100-125 किलो है तो उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। वजन कम है तो कम करने की ज़रूरत नहीं। एक बात और ध्यान रखना,
जिसका वजन ज़्यादा है, वाटर रिटेंशन है, फुला होता है, उसका वजन ये पीने से 4-5 किलो एकदम से कम हो जाता है 1-2 दिन के अंदर। जितना अंदर पानी फालतू जमा सारा निकल जाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ है। मैं पेशेंट को बताता हूँ, फिर उनसे पूछता हूँ, उनका वेट करके पहले भेजता हूँ, फिर कहता हूँ जब 3 दिन बाद आओगे तो बताना कितना वेट है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 दिन छोड़कर पीना है, 2 दिन छोड़कर भी पी सकते हो, 3 दिन छोड़कर भी पी सकते हो। अगर आपने कहीं जाना नहीं तो 1-1 दिन छोड़कर पीजिए, ताकि आपका जल्दी जो किडनी है वो क्लीन हो। किडनी क्लीन से आप देखेंगे कि आपका आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है। जिनके अपना बाल ज़्यादा झड़ते हैं उनको बहुत समस्या है बालों की, लेडीज़ को वो सारी ठीक हो जाएगी। जो लेडीज़ को लगता है कि ऐसी मैं फूली हुई हूँ, वो फूलापन सारा ख़त्म हो जाएगा। लेडीज़ में ज़्यादातर सोजिश रहती है, हाथों में पैरों में सारी सोजिश 100% ख़त्म हो जाएगी। तो आपने ये करना है, ये करके मेरे को इसका फीडबैक चाहिए। मैं अगले हफ्ते 2 दिन के लिए खोलूँगा ये शनि इतवार को ग्रुप, उसके अंदर आप सब डालेंगे आपने क्या क्या किया है, आपने कैसे कैसे साफ करना है। तो अगर आप 2 या 3 चीज़ों के साथ इकट्ठा करते हैं, जैसे आपने इससे भी कर लिया, भुट्टे के बाल से भी, और अपना ये तरबूज के बीज से भी कर लिया, अगर पार्सल मिले उससे भी कर लिया तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये आपने शुरू में तो 2-3 बार करना है, क्योंकि हमने अभी तक अपना पेट या किडनी कभी साफ की है नहीं की ना, कितना गंद जमा है हमारी किडनी के अंदर, वो सारा निकलेगा। फिर अगली बार आपको एक और बॉडी ऑर्गन क्लीन के साथ हम मिलेंगे। तब तक नमस्कार, हैव ए नाइस डे।